असलम जडे व्यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच सेकेंड पार्ट वर्ब्स सो इंट्रोडक्शन में आपको बता दूँ वर्ब को देखेंगे उसकी टाइप्स को ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांज़िटिव वर्ब्स रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स एज वेल well एज़ वर्ब ट्रांस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड वर्ब फ्रेज सो so, लेट स्टार्ट द वीडियो वर्ब्स ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस इवेंट्स और कोई भी हालत को स्टेट ऑफ बीइंग फॉर एग्जांपल रन जंप, थिंक एंड एक्जिस्ट इसके बाद वर्ब्स की टाइप्स को देखते हैं एक्शन वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स अब एक्शन वर्ब्स क्या हैं ये वर्ब्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल और मेंटल एक्शन को लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं ये एक सब्जेक्ट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स ये वर्ब असिस्ट करता है कि मेन वर्ब को एक्सप्रेस कर सके टेंस मूड और वॉइस को अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्शन वर्ब्स एक्सप्लेन करती हूँ एक्शन वर्ब्स को वर्क हॉर्सेस कहा जाता है लैंग्वेज का क्योंकि उसमें एक्शंस को डिनोट किया जाता है देखा जाता है सुना जाता है फील करते हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी किया जाता है एक्शंस का फॉर एग्जांपल शी रंस एवरी मॉर्निंग दे लाफ लाउडली एट द जोक अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं लिंकिंग वर्ब्स सर्व करता है कि वो एक सब्जेक्ट सेंटेंस को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करे ये जो है एक्शन को शो नहीं करता लेकिन कोई भी हालत जो है वो उसको एक्सप्रेस करता है फॉर एग्ज़ाम्पल ही सीम्स हैप्पी वो हैप्पी दिखाई देती है हमें पता नहीं है कि वो क्या कर रही है एक्शन नहीं लेकिन उसकी हालत ये कि वो हैप्पी दिख रही है द केक स्मेल्स डिलीशियस केक की खुशबू से लग रहा है कि वो मज़ेदार है थर्ड टाइप है वर्ब की हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब को लेकर साथ, साथ चलते हैं इसमें वेरियस नाउंसिस को एक्सप्रेस की जैसे जैसे टेंस मूड और वॉइस वगैरह को फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफली वो बहुत खूबसूरत तरीके से गा रही है दे हैव बिन वेटिंग फॉर आवर्स वो घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांज़टव और इन ट्रांज़ट वर्ड को आसान समझने के लिए ट्रांज़ेटिव वर्ड जो हैं उस में किसी भी सेंटेंस को कम्प्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑबजेक्ट की ज़रूरत होती है और इन ट्रांज़टव में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता कंप्लीट मीनिंग देने के लिए अब देखें ट्रांजेटिव uh, की एग्जांपल देखें शी एड द केक उसने केक खाया हमें ज़रूरत थी कि हम मीनिंग को क्लियर करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं ही लाफ्ट इन ट्रांजटिव वो हंसा इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट लगाएं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जब हम उनको कंप्लीट यानी जब उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है तो उसमें हम सफिक्स को ऐड करते हैं यानी ईडी की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि एग्जांपल में देखें वॉक वॉकड वॉकड और इरेगुलर है इसमें हमें कॉन्जुकेशन uh, की वर्क जो है वो स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं करना पड़ता यानी हम ये नहीं कहेंगे कि गो है तो गोड आएगा नहीं गो वेंट गन तो वो इरेगुलर वर्ब है इसी तरीके से अगर दूसरी एग्जाम्पल को देखा जाए तो राइट उसके सेकेंड फॉर्म रोट थर्ड वन इज रटन तो यहाँ पर हमें सफिक्स को एड करने की ज़रूरत नहीं होती वर्ब टेंस पास्ट टेंस प्रजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस पास्ट इंडिकेट एक्शंस और स्टेट जो कि पहले से हो चुके हैं प्रजेंट इंडिकेट करता है कोई भी एक्शन या कोई भी हालत जो है वो करेंटली हैपनिंग हो रही है फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन या स्ट्रेट जो है वो फ्यूचर में होगी अब पास्ट की एग्जांपल देखें शी प्ले टेनिस यस्टरडे उसने कल टेनिस खेले थे प्रेजेंट की देखें ही टीच इंग्लिश वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है फ्यूचर दे विल अराइव टमोरो वो कल पहुँचेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब पर एग्री करना ये एक ग्रामेटिकल करेक्टनेस को सेंटेंस में रखने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है वर्क को एग्री होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सनस के मुताबिक अब देखें शी सिंग्स ब्यूटिफुली दूसरा सेंटेंस है शी सिंग ब्यूटिफुली तो सिंग तो नहीं आता यह प्रजेंट एंड डेवरेंट टेंस में एस सी आई एस का इजाफा होता है तो शी सिंग्स आएगा शी सिंग्स ब्यूटिफुली सब्जेक्ट और वर्क एग्री हो जाए तो फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होता है नाउ लेट स्टडी वर्ब फ्रेजेस वर्ब फ्रेजेस जो है वो मेन वर्ब और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल होता है और वो एक्सप्रेस करते कोई भी मुश्किल एक्शन है या कोई भी हालत है तो अब देखिए शी हैज़ बीन स्टार्टिंग ऑल नाइट वो सारी रात से पढ़ रही है दे आर गोइंग टू विजिट देर ग्रैंड पेरेंट्स तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो